कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे ट्रेनी महिला डाक्तर को दुष्कर्म एवं हत्या घटना को नहीं तेजीबार लगी आंदोलन। आज देशव्यापी आंदोलन को ओल्लाई सर्वभारतीय रेसीडेट डाक्तर संघ फेडरेशन ऑफ रेसीडेट डॉक्टर्स एसोसिएशन बा एफओआरडीए यार डाकरे डाक्तर माने कला ब्याज पिंधि प्रतिवाद करिसेंती। पश्चिमबंग कोलकाता एवं सिलीगुड़ी विभिन्न मेडिकल कला ब्याज पिंधि आंदोलन करिसेंती डाक्तर माने। सेपरी एम्स समेत दिल्लीर विभिन्न मेडिकल देखा मिली तीव्र प्रतिवाद सबुठी आंदोलन जोर धरिबा परे कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डाक्तर संदीप घोष निज पदर इस्तफा देते पुलिस जने अभियुक्त को गिरफ घटन खोलताड़ कर अधिक सूचना पाई पार्थ पॉल आम प्रतिनिधि कोलकाता हम सहित जोड़ फोनलाइन में। पार्थ जी जानना चाहूंगा कि ये घटना में अभी क्या एक्शन हुआ है सरकार के तरफ से खास करके पश्चिम बंगाल में। देखिए ये घटना होने के बाद से ही हार्जकर हॉस्पिटल में पूरा जो मेडिसिन डिपार्टमेंट और जो इमरजेंसी जो है पूरा ठप हो गया था, एकदम बंद हो गया था। तो आज भी कोरोनावायरस चल रहा था वेस्ट बंगाल को लेके और इंडिया में भारत के सब जगह में भी कोरोनावायरस चल रहा था। तो इसी कारण जो आज मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने जो जो लड़की का जो स्टूडेंट का ये हुआ था तो उस स्टूडेंट का घर में जो गया और जाके वो साफ बोल दिया कि रविवार तक कोलकाता पुलिस अगर इसका ठीक ठाक से विचार कर पाएंगे, अगर और भी जो आसामी जो है अरेस्ट करेंगे या तदंत ठीक ठाक करेंगे, नहीं तो सोमवार के बाद वो सीबीआई को जो तदंत जो है उसमें दे देंगे, क्योंकि बहुत सा आदमी मांग रहा है कि सीबीआई का डिमांड कर रहा है। तो इसी कारण ये हुआ और आज सुबह से सब जगह में खबरमेजी चलने के कारण मुर्शिदाबाद में एक पेशेंट आया था, इमरजेंसी पेशेंट आया था, उसका डेथ हो गया और जो वहाँ का जो पेशेंट को पार्टी जो है जो घर का आदमी लोग है वो लोग थोड़ा विक्षुब्ध हो गया। वो बोल रहे थे कि जो ये आंदोलन जो है आंदोलन चल रहा है चलने दीजिए, मगर ये जो पेशेंट जो आ रहा है थोड़ा दो चार डॉक्टर यहाँ आके अगर पेशेंट देखने से तो और भी बेटर होगा। तो ऐसे सिचुएशन चल रहा है और वहाँ का जो सुपर जो है जो संदीप वो सुपर को कल रात को ही वहाँ से पद से हटा दिया था, मगर आज वो जाके 700 दफ्तर में जाके वो खुद ही चाकरी तो नौकरी से वो इस्तीफा दे दिया और जो जो गवर्नमेंट का जितना पद में वो था वो सब में से इस्तीफा दे दिया। उसके कारण जो है उसके ऊपर चाप बढ़ रहा था मगर वो स्वीकार नहीं किया, वो सीधा बोल रहा है कि हम मानविक दिख देख के और आरजीकर हॉस्पिटल में बहुत दो नंबर ही होता था इसलिए ये मैं इस्तीफा दिया हूँ। मगर ये जो घटना हुआ ये घटना का पीछे और भी क्या क्या है कौन है ये इसको लेके ये छात्र लोग का डिमांड है कि तो पार्थ जी ये घटना के बाद अभी तक किस किस को गिरफ्त किया गया है, किस किस को अभी तक एक्शन लिया गया है, किस किस के विरोध में, खास करके जो प्राइम एक्यूज है उनके विरोध में क्या एक्शन हुआ है? देखिए संजय राय बोल के एक एक्यूज थे जिसको उसका दिन सेकंड डे 24 घंटे के अंदर ही उसको पकड़ लिया था पुलिस ने, पकड़ के उसको इंटरोगेट किया करने के लिए कोर्ट में अपील किया था मगर कोर्ट उसको 14 दिन का पुलिस कस्टडी भेजा है। तो पुलिस कस्टडी में वो जो जानकारी दिया है कि फोन वो किया है ये रेप वो किया है बोल के वो किया, मगर ये जो जूनियर डॉक्टर लोग ने पूरा बोल रहा है कि एक आदमी का तरह ये काम करना असंभव है, इसके पीछे और भी कोई है। तो यही डिमांड है कि इसके पीछे और कौन है, कौन हो सकता है, यही लिखे ये विरोध चल रहा है। और आज कलकत्ता पुलिस का तरफ से चार आदमी को बुलाया गया है लाल बाजार में उसका पूछताछ करने के लिए, उसमें है दो या तीन जूनियर डॉक्टर है और वहाँ पर वार्डन का बुलाया गया है पूरा जानकारी लेने के लिए उस दिन क्या हुआ था कहाँ हुआ था, क्योंकि जो तीन डॉक्टर को बुलाया गया था जूनियर डॉक्टर को वो एक साथ वहां पर डिनर किया था बोल के भी हमको जानकारी मिल रहा है। रश्मि रंजन पार्थ जी ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है अभी कलकत्ता में जो चल रहा है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो हालत है ये सब सारे लोग देख रहे हैं व विश्व देख रहे हैं, तो इस हालात में कोई भी छोटी सी भी गलती हुई तो ये बड़ी तांडव हो सकती है। हाँ यही तो एक देखने मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो घटना हुआ एक हॉस्पिटल में हुआ उसके थ्रू जितना वेस्ट बंगाल में जितना हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जहाँ पर जूनियर डॉक्टर लोग है वहाँ पर ये फैल गया और सब जो कर्मवृत्ति में डाक दिया था, मगर आज सुबह से क्या हुआ इमरजेंसी भी बंद कर दिया था, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है मगर इमरजेंसी खुला है, बहुत सा पेशेंट दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में चला गया। और ये देखते हुए कल रात से ही जो जो इंडियन रेसिडेंट्स जो डॉक्टर का संगठन है वो भी इसमें शामिल हुआ है और आज पूरा देश में ये कर्मवृत्ति चल रहा है।
तो यही देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अभी तक क्या क्या डिमांड्स आया है, जो भी एसोसिएशन में स्ट्राइक पे है उनके तरफ से क्या क्या डिमांड्स आया है अभी? उसके तरफ से जो पहला डिमांड था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो फोकस में ले आना पड़ेगा, सीसीटीवी फुटेज को फोकस सबको सामने ले आना पड़ेगा, मगर सीसीटीवी फुटेज सबके सामने नहीं ले आ सकता क्योंकि उसका उस सुप्रीम कोर्ट का कुछ रूल्स है। और दूसरी बात है जो इसमें और भी कोई आदमी शामिल हो सकता है उसका नाम क्यों फोकस नहीं कर रहा है, और जो मेन एक्यूज का अगर आप बोल रहे हैं कि पकड़ लिया है तो मेन एक्यूज के साथ ये काम अधूरा, एक आदमी ये काम करना अधूरा है, इसलिए उसके साथ और भी कोई कोई है। और दूसरी बात है सब मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी लगाया जाएगा और सिक्योरिटी गार्ड जो जो है उसको पश्चिमबंगे जो भावे इश्यू देखा देखे जहाँ आप सूचना दौले कि ममता बानाजी तरफ निर्देश रही वर्तमान पश्चिमबंग पुलिस ये घटनार तदंत करुँ परवर्त समय जदि आवश्यक पड़े वी पश्चिमबंग पुलिस शेष पर्यटन पहुँची नपे तो स्थिति देखि सीबीआई को दायित्व दि जापे घटनार तदंत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त सूचनापाई पार्थ।